भी अच्छा हो गया, इसको अभी पलटा दिए हुए थे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी दोपहर का 2 बज रहा है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश दे रहा था आज, तो ये वाला एकदम पूरा इधर पूरा पानी भर गया हुआ था। और मुर्गी सबको अभी खाना दे दिए हैं, तो अभी अंदर में झोपड़ी का अंदर में जा रही है। और ये वाला चूल्हा पूरा अभी भींग गया हुआ है। हम लोग प्लान बनाए हैं कि रोटी बनाएंगे क्या, इसीलिए अभी ठंडा ठंडा में थोड़ा कुछ खाने का मन कर रहा है, इसीलिए लाए हुए थे वो वाला को बनाएंगे आज रोटी। तो चलिए अभी बनाते हैं। और ये वाला चूल्हा को अभी बना दिए हुए हैं, वाला पूरा भींग गया हुआ था इसीलिए। और देखिए यहाँ पे मुर्गा कैसा कर रहा है, पानी आया है ना, इसी का कारण ऐसे एकदम पूरा खेल रहा है। ये वाला कुछ नहीं हुआ है, ये पूरा उठकर भाग गई। तो हम लोग अभी आग जलाने के लिए जा रहे हैं और यहीं पे बनाएंगे। है कि बाहर में कीचड़ हो जाएगा, इसीलिए वहाँ नहीं बना रहे हैं, यहीं पे बनाएंगे। यहाँ थोड़ा सूखा हुआ है और पूरा एकदम लिपाई कर दिए थे ना, सूख गया। हम लोग अभी पानी को गर्म करते हैं लकड़ी दे करके। माचिस यहाँ पे रखा हुआ है और ले करके चलेंगे, कल लाए हुए थे नया माचिस, वही वाला है। शक्ति यहाँ दे दी है प्लास्टिक और अभी जलाने के लिए हम जा रहे हैं। तो हम अभी आग को जला लिए हैं और ये थोड़ा थोड़ा अभी जल रहा है। लकड़ी क्योंकि भींगा हुआ था इसीलिए अभी धीरे धीरे जल रहा है, तो ये अभी जलने के लिए छोड़ देते हैं। पानी भी गर्म होने के लिए अभी छोड़ देते हैं और वहाँ से जा कर के थोड़ा सा बत्तख सबको देख लेंगे। तो सारे बत्तख मेरा एकदम अच्छे से वहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वाला को पूरा कंप्लीट कर दिया। थोड़ा सा ये वाला बचा हुआ है, नहीं तो पूरा कंप्लीट हो गया। और सुबह में उधर साइड में पूरा कोड़ दिए हुए थे और इधर पूरा कोड़े हुए हैं और यहाँ पर बचा हुआ है, तो बारिश आने लगा इसी का कारण छोड़ दिया। बत्तख सबको अभी देख लिया और फिर से जा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि लकड़ी को तुरंत तुरंत जलाना होता है, इसी का कारण अभी जा रहे हैं वहाँ पे। चलिए अभी चलते हैं और जला देते हैं और शक्ति वो सबको फिर मिलाएगी इसीलिए। और शक्ति अभी तो इधर अपना काम में लग गई। तो हम लोग का पानी गर्म हो गया और वहाँ पे सूजी दे दी शक्ति फूलने के लिए, वो वाला फूलेगा उसके बाद रोटी बनाएंगे। और उधर अभी शक्ति तेल को डाल रही है और लकड़ी ये नहीं जल रहा है, पूरा भींग गया है, इसी के कारण धुआं देता है। पूरा एकदम काफी ज्यादा धुआं दे रहा है, इसलिए अभी जलाते हैं धीरे धीरे। तो हम आग को जला लिए और शक्ति उधर अभी तेल को फाड़ ली और इसमें अभी कढ़ाई में डाल देंगे। फिर बुत गया, काफी एकदम परेशानी हो रहा है। और यहाँ पे आग जला रहे हैं, जलिए नहीं रहा है, काफी एकदम मुश्किल हो रहा है क्या? हाँ। एकदम जलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हम लोग का आग नहीं जल रहा था, तो पूरा एकदम मोटा बांस दे दिया, अब जलने लगा और पूरा इधर उतार करके रख दिए हुए थे। तो फिर से अभी बैठा देते हैं कढ़ाई को, और ये वाला बांस है ना एकदम पूरा अच्छा से जलेगा, इसीलिए अभी बांस को लगाए हुए। शक्ति चढ़ा दी, अब तेल डालेंगे इसमें। हाँ, कढ़ाई पूरा गर्म हो गया था। हाँ। और आगे नहीं जल रहा था, इसीलिए थोड़ा थोड़ा जल रहा था ना, इसीलिए गर्म हो गया था कढ़ाई। हाँ। अब इसमें तेल डालने जा रहे हैं कढ़ाई में। हाँ। इधर हम लोग का तेल गर्म हो गया और शक्ति इधर अभी मिला रही है सूजी और मैदा को और चीनी को। चलिए मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद रोटी पकाना चालू कर देंगे। तो हम लोग का सूजी और मैदा पूरा अच्छा तरीका से मिक्स हो गया और यहाँ पे पन मोहरी डाल दिए हुए हैं और शक्ति अभी देने के लिए जा रही है और तेल भी एकदम काफ़ी गर्म हो गया। और इधर शक्ति पहला रोटी को डाल दी है, अब देखते हैं कैसा आज होता है। तो हम लोग का पहला रोटी पूरा ख़राब हो गया, अब और डाल करके देखते हैं कैसा होता है। तो हम लोग और दूसरा रोटी को डालने के लिए जा रहे हैं, पहला तो हम लोग का यहाँ पे रख दिया और अभी शक्ति इधर पूरा अच्छा से मिला रही है। और थोड़ा पतला हो गया था ना इसी का कारण वो और मिला रही है अभी, और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चूल्हा वाला धुआं आ रहा है मेरे पास, और शक्ति पास उधर नहीं जा रहा है, मेरा तरफ इधर सब आ रहा है, उधर से शायद हवा चला रहा है। वो प्लास्टिक को अभी हटा देते हैं क्योंकि ये प्लास्टिक दिया हुआ है ना, इसी का कारण हवा सब इधर जा रहा है।
प्लास्टिक को हटा दिए, हवा भी इधर आ रहा है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इतना ज़्यादा धूप उग गया ना, बहुत सारा धूप उग गया हुआ। और हम लोग अभी दूसरा रोटी दे दिए हैं पकने के लिए। अब ये वाला को छान करके देखते हैं कैसा होता है। शक्ति उधर पूरा चला रही है अभी। हाँ, चास नहीं मिलाने से ना वैसे ही हो जाता है, इसलिए चास मिला रहे हैं सबको। और दूसरा रोटी काफ़ी अच्छा हो गया, इसको अभी पलटा दिए हुए थे, इसलिए और एक बार पलटा देते हैं उधर से, पूरा अच्छा से पका लेंगे, नहीं तो फिर नीचे में पूरा कच्चा रह जाएगा। आग भी अभी काफ़ी अच्छा जल रहा है। हम लोग का ये वाला रोटी बन गया और अभी रख देते हैं उठा करके, इधर साइड में डूबा रखे हुए हैं तो डूबा में रख दिए। तो हम लोग इतना अभी छान करके रख लिए हैं और एक तो यहाँ पे दिए हुए हैं, तो हम लोग से क्या मिस्टेक हो जा रहा है, एकदम पूरा पापड़ी जैसा हो जा रहा है और ये वाला तो एकदम पूरा मोमोस जैसा हो गया है। अब शक्ति क्या चीज़ मिस्टेक कर रही है? हम फर्स्ट बनाए हैं ना, फर्स्ट बार बना रहे हैं तो फर्स्ट बार में, और एक बार बनाए तो उस दिन भी ऐसा ही हो रहा था, पता नहीं हम जानते हैं इतनी बनाने के लिए। अब क्या चीज हम लोग से गड़बड़ी हो रहा है तो पते नहीं चल रहा है, सब कुछ अभी डाल करके देख रहे हैं। सूजी भी ज़्यादा डाल दिए उसमें भी नहीं हो रहा है, मैदा भी डाल दिए उसमें भी नहीं हो रहा है, इसलिए जैसा बनता है वैसा बना करके वो सबको पूरा ख़त्म कर देंगे क्या जी? इस टाइप का हो जा रहा है, पूरा फट गया। और दोस्तों अभी शक्ति उधर रोटी छान रही है और हम चावल लेकर के आ गए और अभी मुर्गी सबको दे रहे हैं। यहाँ पे इधर उधर चारा खोजती है लेकिन ज़्यादा नहीं मिलता है, शाम में चेक किए हुए थे ना तो एकदम कुछ नहीं खाती, ज़्यादा नहीं मिलता है ये सब में, थोड़ा मोड़ा खाली है, घास ये सब खाती है और दाना पानी तो नहीं मिलता होगा, इसी का कारण दे रहे हैं थोड़ा सा, खाएगी तो फिर नहीं जाएगी और एकदम पूरा जंगल साइड में चल जाती है। आज एकदम पूरा लोमड़ी यहाँ पर दौड़ा करके यहाँ पे लाया हुआ था तो धात धात किया तो वो फिर उधर भाग गया, इसीलिए ये सब को चारा उड़ा देंगे ना तो यहीं पे रहेगी, नहीं तो सब उधर बाहर चल जाती है। पूरा अभी इधर झीट दिए हुए हैं और मुर्गी सब अभी पूरा मस्त खा रही है, सब खा रही है। और एक ठो अभी उधर गई हुई है अंदर साइड में, शक्ति रोटी बना रही है उधर चल गई और ये सब अभी मस्त खा रही है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। मुर्गी सबको हम दाना दे करके आ गए हैं और शक्ति पूरा यहाँ पे भर दी पूरा थाली को और यहाँ पे अभी एक ट्रस छाँक रही है। और दोस्तों अभी थोड़ा अच्छा बन रहा है तो चलिए ये वाला को पूरा जल्दी से ख़त्म कर देंगे क्योंकि अभी पूरा शाम भी होने वाला है और बत्तख सबको मुर्गी है सबको पूरा सबको घुसाना है, इसीलिए जल्दी से अभी हम लोग बना लेते हैं। और बार बार अभी अंदर घुस जा रही है मुर्गी सब, तो अभी हम लोग इधर फटाफट करते हैं और पूरा ख़त्म कर देते हैं ताकि वीडियो भी अपलोड करने के लिए जाना है ना। वीडियो भी जाना होता है, आप लोग को तो कल वाला वीडियो में दिखाए हुए थे, उधर जाना पड़ता है जंगल साइड में, इसीलिए ये सबको सारे बत्तख सबको घुसा लेंगे खाना दे करके और फिर हम चले जाएंगे और शक्ति को भी लेते जाएंगे क्योंकि इधर अभी आदमी नहीं आया हुआ है, इसी का कारण इसको भी लेकर के जाएंगे। और उधर से हम लोग को साबुन खरीद करके ले आना है, साबुन अभी एक ठो भी नहीं है। तो दोस्तों हम लोग सारा रोटी को छान लिए और एक ठो अभी दे के छोड़ दिए हैं, ये वाला लास्ट रोटी है। और अभी इतना सारा हो गया है और शक्ति उधर अभी दूसरा रोटी बना रही है, जो वाला बचा खुचा था ना उसी में पूरा सान करके वो वाला को दे देंगे तेल में क्योंकि वो वाला बेस्ट में चल जाएगा, इसीलिए वहाँ पे पूरा एकदम अच्छा से दे रही है और वो वाला साफ करके यहाँ पे डाल देंगे और बना करके फिर चलेंगे। बत्तख सबको भी ले आना है और खाना पीना भी बनाना है, इसीलिए तो लास्ट रोटी को अभी पलटाने के लिए जा रहे हैं और पलटा दिए, काफ़ी सुंदर हो गया ये वाला। हम लोग का रोटी पूरा बना के ख़त्म कर लिए और उधर साइड में वैसा रोटी अभी शक्ति बनाई हुई है और यहाँ पे तो पूरा फूल हो गया है और हम लोग का पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, बर्तन ये सबको शक्ति अभी धो रही है ताकि बाद में सूख जाएगा ना तो पूरा टाइट हो जाएगा तो फिर बर्तन धोने में ना आधा रहले रहता है अच्छे से नहीं छूटता, इसीलिए फुला के और अभी धो दे रहे हैं, अभी भींगा हुआ है ना।
तो अभी धो देगी, तब तक ये वाला को हटा करके फिर से यहाँ पे खाना देना होगा। और काफी एकदम शाम हो गया का, सब हटा करके आप लोग को ये वाला खा करके आप लोग को टेस्ट बताएंगे क्या जी। चलिए यहाँ पे अभी रख देते हैं। तो दोस्तों अभी शक्ति उतारने के लिए जा रही है कढ़ाई को, उधर साइड में रोटी बना करके रख दी थी, इस टाइप का बनाई हुई है, काफी सुंदर है, गोल 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 नहीं बना, इसलिए इसको गोल गोल बना दिए हम। हाँ। हम उतार के ले जा रहे हैं। और ये वाला इस टाइप का बनाई हुई है, काफी सुंदर लगता है। और चलिए अभी खा करके देखते हैं। अभी रोटी को हम लोग खा रहे हैं और काफी एकदम स्वाद लग रहा है, ये वाला तो और अच्छा लग रहा है, बिस्किट जैसा था। तो दोस्तों हम लोग को जितना खाना था उतना हम लोग खा लिए और अभी रख दिए। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।